अच्छा भैया ये देखो, दो बेटियां हैं, उनके डैड फार्मर हैं, माँ नहीं है। लड़की ने एमए साइकोलॉजी की है, रेनू का, और उसकी बहन है भानुमती, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर। और उन्होंने लिखा है कि लड़का किसी भी कास्ट का चलेगा। डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर। हे सितंबर 15th, माँ का बर्थडे। या भैया इससे मिलने जाना ही है, कोई बहाना नहीं, किस्मत कनेक्शन है। यस लेट्स गो। पहले तुम्हारे एग्जाम खत्म होने दो। आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा, तुम पहले चले जाओ। यस वी आर कमिंग। यस, नाखून चबाने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सीधा आंखों में आंखें डालना, बी कॉन्फिडेंट। सिगरेट छोड़ दो, गर्ल्स डोंट लाइक इट। कद्दू जैसी शक्ल क्यों बनाई है, थोड़ा हंसो ना। बुज्जी की दवाइयां हैं अपने पास रखो, बी कॉन्फिडेंट भैया, ऑल द बेस्ट। क्या यार, तो क्लास का बहाना बनाकर फिर से आ गई? दीदी को कोई देखने आ रहा है, पापा का मैसेज आया था, मुझे भी देखना है। अमेरिका से रिश्ता आया। अरिफा, अमेरिका में मुझे कंपनी मिल जाएगी? हाँ? मेरा मतलब तू तो यही रहने वाली है, तो वहाँ कोई तो मेरा। तू भी जा, वो भी जाएगी, सब चले जाओ। आज तक कितने स्मार्ट लड़के तेरे पीछे पड़े, किसी को भाव नहीं। तुझे तो अमेरिकन चाहिए ना। जिससे हम शादी करने वाले हैं ना, उसका एक लेवल होना चाहिए, स्टेटस में और बैंक बैलेंस में। वो मेरी पत्नी है, भानु 10 साल की थी तब वो गुजर गई। दीदी इधर आइए, मेरी बहन है। नमस्ते। हाय। नमस्ते। भानु को इन्होंने ही बड़ा किया, हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन रस्म और रिवाज को बहुत मानती थी वो। दीदी कुछ नाश्ते के लिए ले आइए। बेटा, हम दहेज के बहुत खिलाफ हैं। हम भी दहेज में यकीन नहीं करते, आप परेशान मत होइए। अच्छा हुआ ये सब बातें पहले ही हो गई है। वो देखो, वो रेनू है, हमारी रेनुका ने एमए किया है साइकोलॉजी में, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। हाँ। बेटा तुम्हें इससे कुछ पूछना है, अंदर जाके बात कर सकते हो। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ ले रहा हूँ, लीजिए ना। अरे वाह, पापड़ी। Excuse me. गाठिया। Excuse me. अच्छा है। I am Bhuji. ठीक है ना? अच्छा अच्छा। Even I want to take a look. हिंदी आती है क्या? और लीजिए ना। या थोड़ी थोड़ी आती है। नहीं। मुझे दीजिए। तुम्हें क्यों? घर में नाखून फेंकने से दरिद्रता आती है, मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं मैं फेंक दूंगा। नहीं नहीं आप मुझे दीजिए, मैं। It's okay. What's your name? भानु। Man, this is funny shit. I can't believe he's gonna marry her. हाँ, सही बोला तू, सब गोबर बातें हैं। गोबर? हमारी भाषा में शिट। ओह। सिगरेट? वो क्यों? वो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, सोचा आपको आदत होगी इसीलिए। यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। सिगरेट पीते हुए बात करना चुपचाप बैठने से तो बेहतर ही होगा ना। That's right. Shut us up. What do they do? Do they make out? मतलब? Will they kiss or something? चुप कर, कुछ भी बोलता है। Sorry Renu, लड़कियों के सामने nervous हो जाता हूँ, इसीलिए सिगरेट पी ली। क्या तुम खुश हो? ये arranged marriage, I mean,
फैमिली प्रेशर है या पिताजी के लिए हाँ कह रही हो तो बता दो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दिस। ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट अगर मुझे कोई पसंद नहीं होगा तो मैं पिताजी से कह सकती हूँ। तुमने एमए किया है ना? तुम्हारी हॉबीज? मुझे सोना पसंद है। मतलब आप सोचेंगे गांव में रहती है तो खाना बनाना, पूजा करना, ये सब हॉबीज होगी, पर मुझे ये सब नहीं आता। गुड, वेरी गुड हॉबी, इंटरेस्टिंग। वो वो वो, व्हाट इज दिस? हेल्प मी आउट प्लीज, हेल्प मी आउट। अरे ये तो सिर्फ भैंस है, बफेलो। ओ तुम दूध कहाँ से लाते हो? फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। हाँ बोला बच्चा, चल। No, 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 don't shake with it. Let me go. मेरा भाई आकर डिसाइड करेगा। What? तुम लोग छात्र हो? मतलब मेरा भाई आकर देखेगा। सेकेंड ओपिनियन? सेकेंड ओपिनियन? उसका दिमाग तो ठिकाने पर है। देखो ये सब बकवास नहीं चलेगी, नहीं करनी कोई शादी, जाने को बोल दो। एक तो ये अरेंज मैरिज अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है, ऊपर से ऐसी कंडीशन भी मानो। दीदी मना कर दो उन्हें। तू चुपचाप खाना खा, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने भी सुन ली। शादी कोई मजाक नहीं है, उन्होंने भी सोच समझ कर ही बोला होगा। सोचने की हमें जरूरत है, उन्हें नहीं। आप ही बताओ पापा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? दीदी कोई सौदे की चीज है क्या? हमने भी अभी तक हाँ नहीं कहा है ना, देखते हैं, पहले लड़के को आने तो दो। क्या सोच रही हो दीदी? आप उन तीन बंदरों की जी हुजूरी करते हुए मर जाओगी। एक तो अमेरिका से है, भगवान जाने कैसे रहते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ की मूवीज दिखाते हैं क्या? इस घर में लगता है मैं ही समझदार हूँ, एक बार सोच कर तो देखो। मैं पापा को बोल दूँ? चुप, सो जाना भानु, पापा ने कहा है ना उसे आने दो। एक बार टच नहीं कर सकती, एक बार फील भी नहीं, कैसे यहाँ कहोगी तुम? चुप, अब सो जा। छिपकली की शक्ल वाले, तू आ मैं दिखाती हूँ। क्या यही रेणुका की छोटी बहन है? लगती तो नहीं है। इतना हैंडसम होगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। देख तो मेरी तरफ ही रही है, यही है क्या? भाई तो एवरेज सा है, जो भी हो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। क्या लिखा है? वरुण या दैट्स मी। सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, बहुत साल हो गए हिंदी पढ़े हुए, प्लस यू होल्डिंग इट अपसाइड डाउन, काइंड ऑफ क्रेजी। मेरा नाम वरुण है। सॉरी मुझे यहाँ के कार्स की आदत नहीं है ना, अमेरिका में कार्स बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये इंडिया है। मैं ड्राइव करूँ? हाय मेरा नाम वरुण है, और तुम? दुल्हन की बहन हूँ मैं। तुम ऐसे चिढ़कर बात क्यों कर रही हो? मुझ पर किसी बात का गुस्सा है क्या? Do you have any problem? Oh, man, damn roads, they never change. Hello, ये roads हमारे हैं, हमने बनाए हैं, जितनी हमें आती है उतनी बना दी। तुम्हें आती है क्या? नहीं आती ना, तो चुपचाप बैठो। देसी फिरंग खुद को 30 मार का समझते हैं। सिर्फ तुम ही ऐसी हो या अपनी बहन पर गई हो? हेलो बहन के बारे में कुछ मत बोलना, खरा सोना है वो। किस बात पे हंसी आ रही है तुम्हें? ये शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? पता है हमें कितनी टेंशन है, पता नहीं आगे क्या क्या पूछते हैं। फूल लाओ, साड़ी पहनो, मिठाइयाँ लाओ, फेशियल कराओ। लड़के के आने से पहले नींद नहीं आती और जाने से उठ जाती है। वैसे तुम ये सब कैसे जानती हो, बहुत एक्सपीरियंस है क्या? लड़का अगर हाँ
हाँ या ना नहीं कहता। मेरा छोटा भाई भी आकर देखेगा ऐसा कहता है, और फिर हीरो एंट्री मारता है। तुम्हारे भाई में दिमाग है कि नहीं? मुझे जो कहना है कह लो, भैया को कुछ मत कहना, खरा सोना है वो। अब उन्हें लगा कि मैं सेकंड ओपिनियन दे दूं तो मैं आकर तुम्हें तो गला दबाकर यहीं मार देना चाहिए। सेकंड ओपिनियन वाले लड़कों को कार में बिठा रखा है, फूटी फूटी किस्मत। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर कोई मजा नहीं आ रहा, मैं यहीं उतरूंगा। जस्ट स्टॉप द कार। पता नहीं भैया तुम्हारे घर में क्यों रुके हैं, होटल में रुकना चाहिए था। फॉर्मेलिटी के लिए रोका था और वो रुक गया, हमने उससे नहीं कहा था। मुझे यहीं उतार दो प्लीज, कार रोक दो। पापा मार डालेंगे। ऐसा क्यों, व्हाई? दूल्हे के भाई की बेइज्जती कैसे कर दी, स्वर्ग से उतरे हो ना। मैं ऑटो में तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हारे पापा से कुछ नहीं होगा। प्लीज स्टॉप द कार, सीरियसली स्टॉप द कार, ओके? कहीं तुम इसकी वजह से मना तो नहीं करोगे? ये सब हमारे लिए भी मजाक नहीं है, ओके? हे, भैया ने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब उन्हें तुम्हारी बहन बहुत पसंद है। एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट, नो? हे, यू नो व्हाट? पहले चिल्लाती हो फिर सोचती हो, कभी उसका उल्टा करना। ट्राई दैट, ओके? मेरे पास पैसे नहीं है। किस लिए? तुम ज्ञान बांट रहे हो ना, फोकट में हम कुछ लेते नहीं, इसीलिए। इस गाड़ी के पीछे चलूं? No chocolate. Hey, no. Chocolate. All right, guys. I said no. Guys, listen. Renuka मुझे बहुत पसंद है। हाँ? मेरा मतलब वो बहुत अच्छी है। Wow, finally. Awesome भैया, superb. और तुम्हें जाकर सिर्फ हाँ कहना है, okay? सिर्फ हाँ कहने के लिए बुलाया है? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? उन्हें भी हमारे बारे में पता होना चाहिए, right? वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी छोटी बहन, I think she's kind of crazy man, मुझे रोड पे छोड़ दिया। हम उनके घर में क्यों रह रहे हैं? हमें किसी होटल में रहना चाहिए। सबने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे जाने ही नहीं दिया। देख, just go and say okay. ज़्यादा सवाल मत पूछना, okay? Okay, boss. आजा बुजी। अरे मुझे भाभी मिलने वाली है। और मुझे मम्मी मिलेगी। मेरा यहाँ आना और आकर हाँ कहना ये सब बकवास है, पहले आपकी हाँ होनी चाहिए। भैया हमेशा काम है कहकर टालते रहते हैं, लोगों के बीच नहीं आते, वर्कहॉलिक हैं। आप उनका ख्याल रखिए, हम आपका रखेंगे, हम दोनों सारे काम कर लेते हैं, है ना बुजी? या या, आपको काम करना है तो काम कीजिए, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए, सब अच्छा है वहाँ पर। भैया को आप बहुत पसंद है, आपकी तारीफ कर रहे थे, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। क्या मैं आपको भाभी कहूँ? तुमने अपने बारे में नहीं बताया। हाँ, बताने के लिए कुछ है ही नहीं, I'm just an average guy. वो special है, हम ऐसे उनकी वजह से, वो हमारे हीरो हैं। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर ये लोग अच्छे लगते हैं। दाल में कुछ तो काला है, ये सच में इतने अच्छे? कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा। हाय हाय, क्या बातें हो रही हैं? अच्छा भैया, मेरी भाभी से मिलो, रेणुका। और भाभी ये है हमारे भैया राजू। भैया क्या है बुजी? ए बुजी, चल चल, तुम्हारे लिए। थैंक यू। ए भानु। हाँ बुआ। झट से जा, अंडे और आधा किलो बेसन लेकर आ। तो मैं नहीं। ए जल्दी जा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये थैली पकड़, जल्दी लेकर आ। हाँ हाँ ठीक है। मैं मार्केट जा रही हूँ, साथ में चलना है क्या? क्या? बाजार साथ में चलना है क्या? You are asking me to come? कल गाड़ी से उतार दिया, आज साथ चलने को कह रही हो, ठीक हो ना? सर जी, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे ही काम से जा रही हूँ, इसीलिए पूछ लिया। आप लोग तो भगवान हो, रहोगे जाओगे कोई आइडिया नहीं, इस टाइम ऑमलेट ही बन सकते हैं, इसलिए बुआ ने अंडे लाने को बोला है। मुझे थोड़ा काम है। यहाँ की सैर ही कर लो। ऑलराइट, गिव मी अ मिनट। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? What's wrong? ऐसे चलोगे? तो क्या, I'm comfortable. क्या तुम तीनों घर में चड्डी पहनकर घूमते हो? चड्डी नहीं है, shorts. गर्मी है और वैसे भी I'm comfortable. कोई problem है क्या? मुझे कोई problem नहीं, पर यहाँ की लड़कियों को ऐसा देखने की आदत नहीं।
वैसे क्या करते हो, मतलब अमेरिका में? मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, आई एम गोना बी अ डॉक्टर। ओह, ब्रॉयलर चिकन। क्या सब यहाँ पर या तो डॉक्टर है या इंजीनियर? यहाँ पर सबकी सोच एक जैसी है, ब्रॉयलर चिकन जैसी। यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और अमेरिका भाग जाएंगे, सब पैसे की माया है। तुम्हें पैसे पसंद है? तुम्हें अंडे फ्री मिलते हैं क्या? क्या नहीं मतलब बिना पैसों के अंडे कैसे लोगी? अरे वाह, बड़े स्मार्ट हो। फिल्में देखते हो? बहुत कम। फेवरेट फिल्म कौन सी है? वो गब्बर सिंह वाली, सरदार वाली, द फर्स्ट वन, जिसमें वो डायलॉग था ना, कितने आदमी थे, दैट वन। कौन सी सदी की बात कर रहे हो, एडवांस बनो। तुम्हारा भाई तो देखता होगा? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं देखते। कौन से जमाने के हो, फिल्में नहीं देखते? दीदी तो फिल्मी कीड़ा है। अरे उन्हें कौन मना कर रहा है, जो देखना देख सकती है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो तो ठीक है, पर जब सलमान और अक्षय गुस्से में होते हैं तो क्या मजा आता है ना। कातिल। जब दो प्यार करने वाले अपने फेवरेट हीरो की फिल्म देखते हैं ना, हाय रब्बा, किस्मत ही खराब है, कर भी क्या सकते इस तरफ हैं? दारू और गर्लफ्रेंड्स? व्हाट, क्या पूछ रही हो? यहाँ भैया की शादी हो रही है, मेरी नहीं, लेना है तो उनका इंटरव्यू लो। वैसे भी पीना बुरी चीज होती है, नशे में गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हो गया तो रॉन्ग थिंकिंग। अच्छा तो कुछ गलत होने के लिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड्स है? बोलो ना, शर्मा क्यों गए? You just don't give up, do you? मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ। What do you Agriculture, do? BSc, देश का पेट भरते हैं हम। Hey, क्रिकेट, इसे पकड़ो, मैं खेल कर आता हूँ। मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? क्या मैं टाइम पास की चीज हूँ? बहुत दिन हो गए खेले हुए, तुम आगे जाओ ना, मैं खेल कर आता हूँ। Can I play? नहीं, चलो जाओ। अरे अभी मेरी बैटिंग चल रही है, जाओ यहाँ से। अरे तू चॉकलेट ले लेना। ये लीजिए ना, बहुत टेस्टी है ये। बस बस, एक ऑमलेट और लो बेटा। हाँ थैंक्स। ये कौन है? वो दूल्हे का भाई है। कौन है? बुजी, ईट। मस्त है यार, करंट है, शॉक लग जाएगा। ये भागने वालों में से है, ब्रॉयलर चिकन जैसा, वो भी अमेरिका में। हमारे लायक नहीं है, पर है तो हैंडसम। मेरे अंकल हैदराबाद में रहते हैं, आगे की सारी बात वो करेंगे। चिंता मत कीजिए, मुझे रेनू बहुत पसंद है। रेनू? हमें एक हफ्ते में अमेरिका लौटना होगा, तब तक अगर शादी। अच्छा, इतनी जल्दी? क्या लड़की भाग जाएगी? अगर रेनू को प्रॉब्लम ना हो तो। एक हफ्ते का तो सवाल ही नहीं, हमारे एग्जाम्स भी तो हैं। एक हफ्ते में, इतनी जल्दी क्या है? विजिटर वीजा पर आया है ना, इसके बाद पता नहीं कब आना होगा, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक हफ्ता? मुझे थोड़ा अचार मिलेगा? इस बेवकूफ की तो टाइमिंग ही बेकार है। दीदी थोड़ा अचार देना। ए भानु। जी बुआ। जल्दी से लक्ष्मी चाची के घर जा और अचार लेकर आ, ये पकड़ और जल्दी से आना। हाँ जा, जल्दी जा। का दिमाग है कि दही, इतनी बारिश है। भानु संभल के जाना। हाँ दीदी, कहाँ गए ये सब? क्या मैं इतनी मेहनत करके इतनी बारिश में अचार लेकर आई और ये लोग चले गए? बताऊंगी। जाने दो ना, उन्हें ये सब क्या पता। अच्छा अभी से साइड ले रही हो? बुद्धू हो तुम, मैं जाकर क्लास लेती हूँ। भानु 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 रुक जा, पापा ने कहा है बात करने को, प्लीज रुक जा, मुझे टेंशन हो रही है, मतलब उनके बारे में। हे, क्या बोलोगी उन्हें? पापा को बहुत पसंद हो, शादी में देर हो सकती है, शादी तो कभी भी हो सकती है, ये सब तो बकवास करना ही मत प्लीज। पसंद है तो सीधा बोलो ना। हाँ, तुम्हें पापा को रोज उनकी दवाई देनी होगी, याद से। मैं जाकर पापा को बताती हूँ। भानु भानु पापा, भानु पापा, भानु दीदी को लड़का पसंद है। भानु उन्होंने हाँ कह दी। ये क्या बचपना है, जरा शांति रह। बचपना थोड़ी है, दीदी की शादी है। बेटा जरा इधर आना, रेनू मेरी प्यारी बच्ची है, बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं। शादी में देर हुई तो चलेगा, और शादी का क्या, वो तो कभी भी हो सकती है बेटा, तुम अच्छे से सोच लो उसके बाद जवाब देना।
कहा था, मैंने भी यही पूछा था, आप और मैं एकदम सेम टू सेम। मैंने पूछा था ना, बता बता बेटा, फिर तुम्हारी दीदी ने क्या कहा? दीदी ने हाँ कहा, पसंद है ऐसा कहा। अब बस कर, मेरी सोने की गुड़िया, किसी की नजर ना लगे। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, लड़का वाकई में बहुत अच्छा है, पर हाँ तुम चली जाओगी तो मेरी दवाई का क्या होगा? मैं तो यही हूँ ना, हूँ ना। जाओ, तुम जा सकती हो, मैं, पापा और बस हम दोनों, आप भी दोनों। चल छोड़ अब, टेंशन हो रही है पापा, एक हफ्ते में मैं चली जाऊंगी। पापा सिर्फ लड़कियां ही घर छोड़कर क्यों जाती हैं? पता नहीं ये रूल किसने बनाया है, ये तो चीटिंग है, बहुत बड़ी चीटिंग, धोखा। तुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के। कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाने वाली, शादी के बाद भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपना कमरा छोड़कर भी कहीं नहीं सोऊंगी। मैं अभी बता रही हूँ पापा, मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा रहूंगी। हे, तुमने कहा था ना सैर कराओगी, कब कराने वाली हो? तुम जानती हो ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम मेहमान हैं। इसकी टाइमिंग इसकी तरह ऑफ है, अभी बताती हूँ। अच्छा हुआ याद दिलाया, हमारे यहाँ एक पुराना मंदिर है, मस्त है वो, चलोगे? अच्छा पुराना मंदिर, कूल। आप पर सुबह सुबह उठना पड़ेगा, वो भी 3 बजे। वो क्यों? यही तो परंपरा है, तुम अमरीकी लोग कर पाओगे? या नो प्रॉब्लम। ठंडे पानी से नहाना, ओके, सर से पैर तक, ओके। धोती पहननी पड़ेगी तुम्हें, वो जैसे तिरुपति में पहनते हैं। धोती मैं दूंगी ना, ओके। अब तुम आराम से सो जाओ, ठीक 3 बजे उठना, ठीक, अच्छे से सोना, ओके, गुड नाइट। ये चिपकलियां, मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो जेट लैग हुआ है ना, नींद नहीं आ रही है। ऐसे ही नहाता रहा तो निमोनिया से मर जाऊंगा। लुंगी छूट गई, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? तैयार हो गए? बस यहीं मंदिर तक। हेलो, नमस्ते, आओ। वाओ, व्हाट आर यू वेयरिंग? यू लुक लाइक अ क्लाउन। लगता है यही दूल्हा है। अच्छा सुनो, शादी भले देर से कर रहे हो पर बच्चे करने में देरी मत करना, ठीक है ना? नहीं नहीं दूल्हा मैं। Woo-hoo!
भानु ऊपर है। ओए, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुमने तो कहा था 3 बजे उठना, नहा लेना। अच्छा हाँ, मैं भूल गई, आंख नहीं खुली, फिर कभी देख लेंगे। ओए ओए, वैसे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से धोती पहन ली। वाओ, धोती में बहुत क्यूट लग रहे हो, हवादार भी रहती है ना। पॉइंट वो नहीं है, इतनी चीटिंग, धोखा, कॉन्स्पिरेसी। पहले तो छिपकलियों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, और जब तुमने अचार लाने को कहा था तब क्या? ओ मैन, मैं इतनी मेहनत करके लाई, किसी ने खाया? तुम्हारे दिमाग में वो था। बुआ को बता दूं क्या? बुआ को बोलोगे? बुआ को बोलोगे? हाँ वैसे बोल सकता हूँ। ओ शख्स, तुमने सुबह मेरी फोटो खींच ली? क्या शिट, ठंड में कैसा लगा? मजा आया होगा ना? अब बोलो बुआ को। तुम सच में क्रेजी हो। वैसे मस्त दिख रहे हो। इसमें ए सर्टिफिकेट वाली भी है, देखनी है क्या? ए भानु, वाह, इंडिया की लड़कियां बदल गई हैं। लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़की भानुमती, एक सिंगल पीस, 2 कास्ट और 2 जगह की हाइब्रिड लड़की। ये तो मुझे पागल कर देगी। तुम्हारा भाई अच्छा इंसान है ना? क्यों पूछ रही हो? मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरे जैसी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, उल्टा जवाब नहीं देती, बहुत प्यारी है। तुम्हारा भाई कैसा है? तुम्हारी बहन को हम अच्छी तरह समझ गए हैं, पर तुम हमारे भैया को नहीं समझ पाई। हम समझ गए, पर डर तो लगता है ना। डर लगता है? क्यों? वो तुम लोगों के साथ जो जा रही है, सब छोड़ के। फिक्र मत करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए, मुझे मंदिर कब लेकर जाओगी? प्रार्थना करो, वो भी हो जाएगा। हाथ जोड़ा। जीजा जी का भाई है। It's beautiful. मेरा गांव। Wake up in the morning and dad. Wake up in the morning and dad. Thanks. Thank you. I need toilet paper. Toilet paper. I need toilet paper. छिपकली नहीं आएगी। थैंक यू भानु। कैसा लगा? हमारे कुएं का पानी। रियली? हाँ, इट्स गुड। ये सब टुकड़े मिलकर 10 एकड़ है साहब, या नीचे और वहाँ ऊपर भी। ये भी? हाँ, सब मिलाकर साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये वाला साहब? ओके, तुम कौन हो, मालिक हो? नहीं साहब, मैंने तो ये खेती 20 साल के लिए किराए पर ली है, इसे खाकर देखिए साहब। ये जो है ना साहब, ये वाला एरिया, ये तो बढ़िया है। मैंने तो पहले ही कहा था साहब। अब आप इसे बेचेंगे क्या? मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। आप लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना,
तो मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा साहब। मतलब आप मजदूरी करेंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है साहब। साहब संभाल लेंगे। ओए! तुमने जमीन खरीद ली है क्या? नहीं अभी नहीं। बूढ़े किसान ने किराए पर ली थी ना? हाँ। तुम ये खेत खरीद तो सकते हो पर अमेरिका वालों को खेती कहाँ आती होगी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ब्यूटीफुल। क्या कूल। लड़की को पसीना बहाते हुए कहाँ देखोगे? तुमने तो वो देखी होंगी ना जो एसी में रहती है, कान में हेडफोन्स होते हैं और हाथ में सेल फोन। तुम्हारा दिमाग घास चलने गया है क्या? मेंटल। सॉरी सॉरी, वो तुम्हें देखने का मन किया तो। बुद्धू कहीं का। तुमने मुझे नहाते हुए देख लिया ना, मैं नहीं देख सकता। अच्छा ये बात है, तो इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ही पूछ लिया होता। प्रार्थना करो वो भी हो जाएगा। वो ठीक है। बेशरम यार, तूने इतनी जल्दी सब पढ़ लिया, मैंने तो अभी शुरू किया है। अरे इतनी जल्दी चेंज कर लिया? पढ़ूंगी नहीं तो लुढ़क जाऊंगी। हे, तुम्हारा डांस बढ़िया था, ऑसम। जमीन का क्या हुआ? वो हमने खरीद ली और किसान को लीज पर दे दी। वो किसान खुश, जमीन खुश, हम भी खुश। अब रियल एस्टेट वाले परेशान नहीं करेंगे। तुमने अच्छा काम किया, एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिदा। हाँ? फिदा। अच्छा तुम्हें एग्जाम में किसी चैप्टर में हेल्प वगैरह चाहिए हो तो। ऊपर आ जाओ। फिर से कहना। ऊपर आ जाओ। सुनकर अच्छा लगा। All right, give me a couple of minutes. I'll change and come. हाँ। Cool room. यहीं से ली थी ना मेरी फोटो? Thanks. तो ये दो पिक्चर्स और ग्राफ बनाओ। अच्छा, ओके। कर पाओगे ना? या वैसे अगर तुम सिर्फ इसे कॉपी करोगी तो समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ओप्स। रुको मैं रबर देती हूँ। क्या देती हूँ? रबर। यूएस में कॉन्डम को रबर कहते हैं। हाय, शर्मा गया लड़का, इतनी छोटी सी चीज के लिए शर्मा रहे हो। हमारे देश में तो बोलते रहते हैं कॉन्डम यूज करो, कॉन्डम यूज करो, नहीं तो एड्स हो जाएगा। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट्स पे करोड़ों खर्च करते हैं। ओह, लगता है तुम्हें इसकी मस्त नॉलेज है। यार क्या गजब लड़की हो, हर बात पे क्लास ले लेती हो। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल जो भी हो, तुम्हें बताऊंगा तो फिर क्लास ले लोगी। चाय पिए क्या? हाँ। टी पाउडर। तुम्हें खाना भी बनाना आता है? और क्या?
बुजी के लिए हम सब कुछ करते हैं, नहलाना, फीडिंग, डायपर चेंजिंग, सब कुछ। इस मामले में तो भाभी को भी टेंशन नहीं होगी। बुजी बहुत लेट पैदा हुआ था। एक्चुअली माँ ने उसे अडॉप्ट किया था, वो एक ऑर्फनेज गई थी और वहां उन्होंने बुजी को देखा, वो उसे लेकर आई। मॉम गुजर गई तब वो 2 साल का था, वो उनकी जान था। बुजी को पता है क्या? उसे पता है। एक्चुअली वो बहुत प्राउडली कहता है, भैया और मैं तो ऐसे ही पैदा हो गए, लेकिन माँ खुद उसे सिलेक्ट करके लेकर आई है। मुझे तुम पर बहुत बड़ा डाउट था, पर अब सब क्लियर हो गया। दीदी बहुत खुश रहेंगी, अब मैं जान चुकी हूँ। अरे मतलब मैं जो भी करूँ या बोलूँ तुम सोचते हो कि दीदी का क्या होगा? हम दिखाई नहीं देते, मतलब दीदी के सामने हम तो कुछ नहीं है। अच्छा तुम्हारी दीदी का टॉपिक साइड में रखो, मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, व्हाट डू यू थिंक? क्यों क्यों? अरे पूछ भी नहीं सकता क्या? ये भगवान। एग्जाम में लुढ़क जाऊंगी, थोड़ा पढ़ लें क्या? ओके लेट्स गो। सो द अर्थवर्म हेल्प्स द फार्मर्स बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड दे हेल्प बाय लूजनिंग द सॉइल। मैं जा रही हूँ, मुझे पापा को दवा देनी है। हे कल सुबह टाइम पर उठोगी ना? पापा पापा उठिए ना। क्या हुआ बेटा? आपकी दवाई। सॉरी पापा, मैं भूल गई थी, मेरी गलती है। ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? कल तुम्हारा एग्जाम है ना, जाओ जब सो जाओ। सॉरी पापा, दिमाग से निकल ही गया। पापा मैं आपकी प्यारी परी हूं ना? तू मेरा हीरा है बेटा, तू जान है मेरी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे खेत, हमारा मंदिर और हमारा गांव। जाओ। यू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाप रे, तू तो अपने रूम में किसी को नहीं आने देती, मतलब वो तुझे पसंद आ गया है? वो सिर्फ एक वीक मोमेंट था, फुल ऑन डिस्टरबेंस है ये लड़का। मुझे बस कोई एक वजह मिल जाए, सिर्फ एक रीजन, और मैं उसे अपने दिमाग से ही निकाल दूंगी। वो मुझे सूट नहीं करता ना। सुनना, तू मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं बोल दूंगी कि हम दोनों एक साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ? मैंने उससे कल कॉलेज आने के लिए पूछ लिया था। ओ अच्छा, तू और तेरा वीक मोमेंट। हाँ नहीं नहीं डेंजर, चल चल। सुन वो आ गया है, पीछे देख, दिल जोर से धड़क रहा है। उसे देख तो ले, वो तेरे लिए आया है ना, अच्छा नहीं लगता। अब निकलना चाहिए, एग्जाम का टाइम भी हो गया ना। ठीक है ड्रेस चेंज कर लेते हैं। अभी ऐसे कैसे जाएंगे, अपनी ड्रेस देखिए। ऐसे कॉलेज जाएंगे तो सब घूरेंगे और छेड़ेंगे, वैसे भी उस नरेश की नजर तुझ पर है। टाइम नहीं है, वो आ जाएगा, अब चल। पेपर देखा क्या? अरे तूने भानु को देखा और उसके पीठ पर वो तिल देखा? हाँ यार, आज तो बिना छुए जाने का मतलब ही नहीं। हाँ मैंने वही लिखा। सही कह रहे हैं। हाय हाय हाय, तुम यहाँ क्यों आए हो? सोचा आकर देख लो तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। जस्ट किडिंग, बोर हो रहा था। हाँ तुझे तुम्हारा वाला क्वेश्चन आया था। ओह नाइस। हे पेपर कैसा गया? अच्छा था। कर दिया। अच्छा भानु यहाँ से चलते हैं। हाँ। यहाँ से चलते हैं, उस लड़के को तुम मारोगे नहीं? निकल जाएगी। चलो मैं तुम्हें मेरा कॉलेज दिखाती हूँ, कैंटीन में मस्त बिरयानी मिलती है। ए भानु एग्जाम कैसा गया?
सही है, सही है। कुत्ते की दुम है सबके सब। चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ ज्यादा लोग होंगे। ये भानु, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। मेरा भी अच्छा गया। हड्डियाँ तोड़नी चाहिए इनकी। तुम खाओ ना। तुम प्रार्थना करो, हड्डियाँ टूट जाएंगी। रेस्टरूम कहाँ है? यहाँ से सीधे जाना, वहाँ से लेफ्ट। ओके, आई विल जस्ट बी बैक। ठीक है। ए सन्ना, तेरा वाला पूरा करंट है, सब यही बोल रहे हैं। चुप कर, वो तो एकदम दब्बू लड़का है, रोमांटिक तो है नहीं और एक्शन में जीरो। नरेश का ग्रुप फुल कमेंट मारता रहा और ये बोला यहाँ से चलते हैं भानु। अब तो मेरा दिमाग एकदम क्लियर है। मतलब वो अगर नहीं लड़ा तो सब खत्म। शायद उसे पता है कहाँ शांत रहना है। डायलॉग्स, हाँ, जान निकल रही है सोच के कि दिमाग से कैसे निकालूं। तार की तरह चिपक गया है अंदर। ये रीजन ही काफी होगा। शिफ्ट डिलीट, खेल खत्म, दुकान बंद, बस इतना ही। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? चल ना। ए, पेपर कैसा गया पूछने के लिए हाथ लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। तुझे लड़कियों के दिल देखने हैं ना, मैं दिखाता हूँ तेरी तो। अबे रुक, पहले पेपर उठा। ए, ए उठा। ए, देख क्या रहा है, बुक्स उठा। दर्द हो रहा है, छोड़ दो सर। सवाल का जवाब दे, छोड़ दूंगा। Why are earthworms and farmers good friends? They help prevention of soil erosion. वो मिट्टी में घूमकर चीजों को मिक्स करता है जिससे फसल अच्छी होती है। Correct answer. मतलब ये लोग तुझे बिगाड़ रहे हैं। चल निकल। अबे तेरी पीठ पे कितने तिल हैं? इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्या? तुझे छूना तो दूर, अब कोई देखेगा भी नहीं। बाहुबली। ओए, अरे क्या मस्त पिटाई की सबकी, हड्डियाँ टूटी होंगी ना? नहीं नहीं, इतना नहीं मारा। क्या क्या खाते हो? ज्यादा कुछ नहीं, सुबह ओटमील, उसके बाद वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ चिकन इन द आफ्टरनून, आल्सो सम फिश एंड आफ्टर वर्कआउट। भगवान से फेक रीजन। हे हे, तू मुझे अकेला मत छोड़ना। हम दोनों साथ आए थे, साथ वापस जाएंगे। लगता है मुझसे नहीं होगा। ज्यादा सोच मत, मैं ट्रेन से चली जाऊंगी। ऐसा मौका लाइफ में बार बार नहीं आता, इस टाइम को एंजॉय करना। सर अपना चेहरा तो देख, कैसे चमक रहा है। जा। ओए। सॉरी हाँ। हे वरुण। हाय सैलू। सो गुड टू सी यू। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। कौन है वो? कौन वो? She is my mama's daughter. Her name is Sai. She is from Hyderabad. She is going to come to US. Okay. Bye. उस तरफ नहीं देखना। नहीं 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 देखना। रामू उस तरफ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, देर हो रही है। हाँ हाँ करता हूँ। हे भानु, स्टेशन मास्टर के पास जाना है। Let's go. कंपार्टमेंट डेकोरेट करना चाहते थे। भैया भाभी की पहली रात है ना, स्पेशल होनी चाहिए। हाँ कर सकते हैं। थैंक यू। माँ के गहने हैं भाभी, आज के इंतजार में थे। सब कुछ अपनी भाभी को दोगे तो अपने लिए क्या रखोगे? सी यू भाभी।
जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अरे टाइम नहीं है भाई। मुझे पता नहीं है इसे कैसे पहनना है। थैंक यू पापा। भैया तो भोजन की व्यवस्था उस तरफ है। चमकर खाइएगा, शर्माइएगा मत। जोरों की भूख लगी है सैलू। हाँ मुझे भी। तो क्या तय किया? भजिया? भजिया? हाँ। भजिया? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं मेरा पेट भर गया है। अरे ले लो, बहुत टेस्टी है। ओके। अरे खा के देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अब हम क्या करेंगे? वेट, मुझे सोचने दो। देखो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ओके। फर्स्ट क्लास में हमारे जो लोग हैं ना उन्हें भी दे देना। दे आता। मैं आती हूँ। फिरू रुको, मैं भी साथ आ रही हूँ। ना करो। खाना साहब? नहीं चाहिए, थैंक यू। खाना लेकर आऊं, टाइम हो गया। अरे कहाँ ना नहीं चाहिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? चलो। केला खा ले बेटा। अब क्या हुआ? बुच्ची ने कुछ नहीं खाया, शायद उसे भूख लगी हो। सैलू इंडिया में डॉक्टर्स के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। तुम यूएस आने की तैयारी तो करो, वीजा और यूनिवर्सिटी सीट मैं देख लूंगा। यहाँ पर है ही क्या, भैंसे, छिपकली और गंदी सड़कें। छुट्टियों के लिए ठीक है, खेत और ट्रैक्टर देखना टाइम पास है, पर यहाँ करियर नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा, ट्रस्ट मी। तुम आ जाओगी तो हम शादी की प्लानिंग भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है वरुण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अब मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं।
अरे बेटे यहाँ पर क्या कर रही हो? अपनी दीदी के बारे में सोच रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं पापा, कुछ भी नहीं। आप है ना मेरे पास, बहुत है। मैं तो यहीं रहूंगी आपके ही पास। मेरा प्यारा बच्चा मेरे साथ ही रहेगा, है ना? नमस्ते। नमस्ते। चलो ला मुझे। नहीं नहीं बस उतना काम कर दो। हाय भानु। दीदी वो बुला रहे हैं। सब ठीक है ना? अब तुम हमारी मेहमानों को चाहिए तो बोल दो, टी कॉफी एनीथिंग। हे ए, क्या हो रहा है? मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, आता हूँ। दीदी सूटकेस कमरे में रखे हैं, जरा देख लेना। लीजिए। ला मुझे दे। ये कैसा, अच्छा है ना? ये लीजिए। ये लो। ये लीजिए। हाँ। खा लो बेटा। खाओ ना। भानु भजिया। नहीं चाहिए। खाओ ना, अच्छी है। नहीं। ये इमली राइस है, लेमन राइस नहीं है। चेक कर देखो। तुम्हें अच्छे लगेंगे। लो। खा लो। क्या हुआ? मुझे भजिया दे। अरे कितने देगा? आती हूँ पापा। जीजा जी। ए, इसकी क्या जरूरत है? मुझे। थैंक्स। पापा। बेटी। चलती हूँ पापा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। चलते हैं। बाय। ये बैग अपने पास रखो। भानु कहाँ है? उसे बुलाओ ना। लेट हो रहा है रेनू। चलते हैं। बाय 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 बेटा बाय। अरे जरा मुझे भी तो दिखाओ तस्वीरें, सचमुच बहुत अच्छी आई है। ये देखो ना। तुम लोगों का सफर अच्छा रहा ना? हाँ पापा। लाइए मुझे लीजिए। सुनो बेटा, पौधों को पानी तो दे रहे हो ना? हाँ दे रही हूँ। पौधे अच्छे हैं। मुझे बात करनी है। तुम फिक्र मत करो। सुमति कैसी है? भाभी हेलो। हेलो हेलो। ये लीजिए। ए भानु, वो नरसिंह राव है ना, उनके बेटे को तेरी फोटो पसंद आई है, वो पूछ रहे थे। उनको क्या जवाब दें? भेज दो सबको, भेज दो, मुझे भी भेज दो, यहाँ से सबको निकाल दो, कोई ना बचे। भाभी मैं निकालता हूँ।
वैसे क्या बना रही हो? केक। ओ बुजी के लिए। कॉफी पियोगे? मैं बनाती हूं। मैं बनाता हूं ना, आप पियेंगी? ओके। भाभी क्या आपको गांव की याद आ रही है? और भानु की? बहुत, वो हर वक्त बोलती रहती है ना। पटाखा है। वो यहाँ आ जाए तो अच्छा होगा ना? बहुत अच्छा होगा, पर कैसे, नहीं हो सकता। भाभी एक्चुअली भानु को मैंने प्रपोज किया था। क्या? मैं भानु को प्रपोज किया था? मतलब तुमने उसे आई लव यू कहा? हाँ भाभी। ये तो बहुत खुशी की बात बताई है तुमने वरुण। भानु भी शादी करके यहाँ जाएगी, तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आहा, देखो कैसे शर्मा रहे हो। मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक था, पर इतना सीरियस है ये नहीं सोचा था। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। भाभी भाभी उसके जवाब का इंतजार करते हैं। आई लव यू भानु। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं, क्या भेजा है उसने? क्या हुआ वरुण? पहला प्यार है भाभी, और ये पहला मैसेज। अभी तक कोई मुझे इतनी पसंद ही नहीं आई। उसने ना कहा ना, एकदम क्लियर। तुम रुको, मैं बात करती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। क्या है ये सब? बुद्धू है क्या तू? क्या सोच रही है तू? ऐसे कोई जवाब देता है? एक बार सोच कर तो देख, वरुण बहुत अच्छा लड़का है। उसने प्रपोज किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब इंटरेस्ट नहीं है? और ये चप्पल भेजने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट नहीं है मतलब इंटरेस्ट नहीं है, और कितनी क्लैरिटी चाहिए? उसके जैसा नहीं मिलेगा भानु, कितना अच्छा है वो, कितनी लड़कियां उसे पसंद करती है, मैंने खुद देखा है। बहुत अच्छी बात है, तुम देखती रहो। तुम्हारा देवर है ना, मुझे नहीं चाहिए, और मैं टाइम पास लड़की नहीं हूँ। टाइम पास मतलब? कैसी अजीब बातें कर रही हो भानु। एक बार सोच कर देख, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। बाकी लड़के कैसे होते हैं, ये कितना अच्छा है। मुझे इतनी अच्छी किस्मत नहीं चाहिए, पसंद नहीं, बात खत्म। हेलो हेलो, भाभी क्या हुआ? वो पागल है वरुण, तुम ज्यादा मत सोचो। मुबारक हो नए नए सर्जन। मेरे यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया है? अरे चप्पल, इसका क्या मतलब? मतलब प्रपोजल को उसने लात मार दी। इतने हैंडसम लड़के को मना किया? ए अरे सुनना, अपन सैंडल वाली ढूंढेंगे, ये चप्पल वाली को जाने दे। हाँ भाभी, भैया को इस बारे में कुछ मत कहना, उन्हें दुख होगा, बेकार का इशू हो जाएगा। ए अली, ये सब लेके जा। भाभी अभी जा। हाथ में क्या? पनीर बिरयानी। ए क्या हुआ? पहले डिनर फिर केक। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, आप केक खाएंगे या चावल?
ये नहीं छोड़ेगा। कुछ हुआ? हाँ, कोई खास बात नहीं है। भाभी, भाभी, भाभी वो फोन ही नहीं उठा रही है। उसे कहो ना कॉल करे। अरे एटलीस्ट ये तो पता चले हुआ क्या है। मैं बात करती हूँ। ओके, नोट डाउन द कंपोजिशन ऑफ जिंक सल्फेट। हेलो भानु, प्लीज यार ऐसा क्यों कर रही हो? एक बार बात कर लो, मेरे लिए बात कर लो प्लीज भानु। तेरी जीजा जी का भाई है, ऐसे बात करना अच्छा लगता है क्या? ठीक है अब बस भी करो, कर लूंगी बात। अभी बात कर, अभी कॉल कर। भानु, भानु, भानु तुम पागल हो क्या? दिमाग ठिकाने पर है ना? किस चीज का ईगो है? At least pick up the goddamn phone. हेलो, भानु, भानु। चिल्लाओ मत, क्या है? चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। तुम जानते हो तुमने क्या किया? ऐसा क्यों किया? Why? मुझे तुम पसंद नहीं वरुण, that's why. अब ठीक है? वरुण, 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 वरुण। बहुत दिन हो गए तुमने कॉल नहीं किया। तुम मुझे पसंद नहीं। पर ऐसा क्यों? पसंद नहीं हो? I don't believe this. मैं नहीं मानता। तुम पसंद करती हो मुझे। I could sense it. We had a moment, Bhanu. उस दिन रूम में भी। अब अचानक क्या हुआ? सीओ, मेरी क्लास है। क्लास है? भाड़ में गई क्लास? ये मेरी लाइफ की बात है। It's my freaking life. सोचती क्या हो मेरे बारे में? अमेरिका के टॉप स्कूल का डॉक्टर हूँ। करोड़ों, करोड़ों कमाऊंगा मैं। तुम कौन हो? छोटे से गाँव की लड़की, खटारा जंग लगा ट्रैक्टर चलाने वाली। हाँ? एवरेज? नहीं, बिलो एवरेज लड़की हो तुम। सच सुन के शॉक लगा? अब समझ में आया क्या किया तुमने? उस चप्पल की फोटो का मैं क्या करूंगा? कहां मिलेगा मुझ जैसा लड़का? मेरा 1% भी ढूंढ कर निकाला तो मान जाऊंगा। भानु, भानु सुन रही हो ना? हेलो भानु, हेलो। भाड़ में जाए मेरी क्लास, खटारा ट्रैक्टर, और मैं एवरेज हूँ, सॉरी बिलो एवरेज, यही ना? यही कहा ना तुमने? और तुम्हारा 1% तुमसे बेहतर लड़का मिल जाएगा, जितने टाइम में मैगी बनती है ना उतने ही टाइम में। तुम बस देखते जाओ। भानु, ओके बाय। हेलो भानु, भानु, गॉड। कहां मिलेगा मुझ जैसा लड़का? मेरा 1% भी ढूंढ कर निकाला तो मान जाऊंगा। Have you received the mail? Hi. Hey, माँ को बुलाओ। नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, okay, thank you. जी बाद में मिलते हैं। Thank you very much. Okay, तो हम बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं सर। आप बैठिए ना। Thanks. मैं भानु यहीं रहती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। एक सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ? हम्म? आपने लंदन में पढ़ाई की है ना? हाँ। इतनी पढ़ाई की और गाँव में फैक्ट्री खोली? हाँ, फार्मा की। आप बहुत अच्छे हैं। इसीलिए एक सेल्फी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? थैंक यू। लेफ्ट या राइट? ओके। भानु यहाँ क्यों आई थी? ए, तुझे उससे क्या? बोल ना, अगर मैं गलत नहीं तो ये भानु ही है ना? माँ, वो मेरे काम की वजह से मेरे साथ सेल्फी लेने आई थी। सेल्फी? हाँ। पर सुबह सुबह उठना पड़ेगा, वो भी 3 बजे। यही तो परंपरा है। तुम अमरीकी लोग कर पाओगे? भाभी, भानु आप ही की बहन है ना? क्या हुआ? कितना गुस्सा है उसमें, मुझे भी वैसा ही बना दिया उसने। वरुण, उदास मत हो प्लीज, वो ऐसी ही है, तुम्हें पता है ना? तुम उदास मत रहो, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
वो एक नंबर की पागल है और बुद्धू भी। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं बात करूंगी। पागलपन की हद होती है। ये लड़की तो बस पागल है, कोई हद नहीं है। टॉर्चर कर रही है मुझे। ये लो भाभी, सब्जियां और कड़ी पत्ता। ड्राइविंग टेस्ट का अपॉइंटमेंट मिल गया है, रेडी रहना। डोसा खाओगे? उसने खाया क्या? नहीं। चलो मैं तो खाऊंगा। अब क्या नई चप्पल? ये कौन है? अबे तू क्या मोची है जो चप्पल देकर चुप बैठा है? चप्पल का जवाब गंभूर से दे। अब जड़ी बूटी ले और बैठ के कूट। गांव की लड़की ने सेल्फी खींचकर चुटकी में एक एनआरआई को हिलाकर रख दिया। इम्पोर्टेड चीज होकर देसी से हार गया। अमेरिकी हम पर हंस रहे होंगे। ट्रंप को पता चलेगा तो क्या बोलेगा? देख हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। सूजी को फोन लगा। अरे ये देख, चिपक चिपक के सेल्फियां ले रही है वो। फोन कर। यशा, हाथ मांगने के लिए मत बोला, सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए बोला। Hey Suz, how you doing? Do you wanna catch up tonight? Looks so good. Thanks for calling me. Yeah, so about myself, my mom's from Hungary, my dad's from Slovakia. जब दो प्यार करने वाले अपने फेवरेट हीरो की फिल्म देखते हैं ना, हाय रब्बा। Had a really good time. Yeah, me too. Thanks for everything, Varun. Yeah. कुछ गलत करने के लिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो किसने कर पाया? वो ब्रश करके नहीं आई थी क्या? तू तो कुर्बानी दे रहा है, पर वो लड़की समझ का रही है? फुल फिदा हूं उस पे, दिमाग से जाती नहीं। लाइफ में कोई एक आपका सोलमेट होता है ना, ये वही है। She's the one. हर पल उसके बारे में सोचता हूं। पता नहीं उसने मुझ पे क्या जादू कर दिया है। थ्रिलर मूवी जैसा है। थ्रिलर मूवी नहीं, हॉरर मूवी है। कब अचानक में भयानक कर देगी पता नहीं। हेलो। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं बोल रहा हूँ, ओली फ्रॉम अमेरिका। तुम्हारी बहन मेरी भी भाभी है। तुम सगी हो या गोद लिया था? भाभी इतनी भोली भाली है और तुम एक नंबर की चालू चंट। अरे तुमसे लाख दर्जे अच्छी लड़कियों की लाइन लगी हुई है वरुण के पीछे। ऐसा क्या? तो गिनीज बुक वालों को फोन करना था ना, मुझे फोन क्यों किया है? क्या गिनीज बुक क्यों? भाई ये तो हॉरर मूवी है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। चल एक सेल्फी ले लेते हैं। अरे तेरी उदासी को सेलिब्रेट करते हैं। चलना छोटा सा सेलिब्रेशन। आंखें बंद कर। आंखें क्यों बंद कर? पप्पी थोड़ी लूंगा, करना। माँ वो आ गई। ए भानु, ये हमारी भानु है। हाय। ये नरसिंह राव जी के रिश्तेदार हैं। देखो तुमसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं या तुमने इनके लड़के के साथ सेल्फी ली थी? एक सेल्फी ली तो क्या शादी करनी पड़ेगी? ये क्या बकवास है, जान से मार दो मुझे, सब पागल हो गए। तुम तो हमेशा कहती हो अपने बाबा के साथ रहोगी ना, अपने पड़ोस का रिश्ता है, पास में रहोगी। और क्या तुझे चाहिए मेरी लाडली? मुझे पसंद नहीं, बात खत्म। अब ये लड़का कौन है, क्यों आ गया बीच में? बुआ बता रही थी रिश्ता आया है, शायद ये वही है जिनके यहाँ से रिश्ता आया है। मतलब वो तैयार हो गई, इतनी जल्दी शादी करेगी? ऐसा नहीं है वरुण, पहले उसे हाँ कहना होगा। तुम तो उसे जानते हो ना, पागल है वो, तुम टेंशन मत लो। वरुण तुम ठीक तो हो ना? आप सो जाइए भाभी। सॉरी। वरुण
देख रही हूँ तुम ठीक से सो नहीं रहे हो। क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रही है। आप सो जाइए भाभी, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट। हेलो बेटा, भानु की शादी फिक्स हो गई है। अरे वाह, सुना भानु की शादी फिक्स हो गई है, बहुत खुशी की बात है पापा। लड़का करता क्या है? लड़का लंदन से पढ़ के आया है बेटा, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है बेटा। जी पापा। रेनू बेटा, भानु की शादी फिक्स हो गई है। फोन उसे देना पापा। ये लो, दीदी से बात करो। क्या है ये, दिमाग खराब है तेरा? समझ में भी आ रहा है क्या कर रही है तू? किस बात की जल्दी है तुझे? तुझे वो लड़का इतना पसंद आ गया है? ऐसी बेवकूफी मत कर भानु। प्लीज भानु, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। दीदी, मैंने पूछा था शादी से पहले जीजाजी में क्या देखा, याद है ना? ये सारी बातें अभी क्यों भानु? मैं बताती हूँ, विश्वास कहा था तुमने, और वो विश्वास मुझे तुम्हारी देवर पर नहीं है। हेलो भानु, भानु Mr. Rajiv? Yes. Mrs. Rajiv? Congratulations. You're going to be parents. Wow. Thank you so much. Congratulations, bhaiya. I'm so happy. Come, doctor. Doctor, I just want to make sure that Hey, Varun, main gaadi lekar aata hu, tum dono neeche milo, theek hai? Haan, bhaiya. Make sure that you watch her food. Yes. She should have a very good diet and she should be on the bed. Hey doctor. Hello. Bhabhi. अचानक उदास क्यों हो गई? तुम भानु को भूल जाओ वरुण, वो कोई स्पेशल नहीं है, तुम्हारे लायक भी नहीं है वरुण। उससे थोड़े दिन तक बात करना तो ठीक है, पर वो कितनी अड़ियल और पागल है ये तुम्हें भी पता है ना? और ऊपर से वो इतनी सुंदर भी नहीं है, और उसके कॉलेज में उसके क्या बताऊं मैं? भाभी, आप झूठ बोल रही है ना? मैं और क्या करूं वरुण, तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही, मैं क्या करूं बोलो? इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही, मन में आ रहा है वही कर रही है, और यहाँ तुम उसने शादी के लिए हाँ भी कर दी। शादी? पापा ने बताया। नो। यहाँ तुम इतने परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, ठीक से खा नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे छोड़िए ना भाभी, अभी इसी पल से मैं उसे दिल और दिमाग से निकाल देता हूँ। आप रो रही हैं, वो भी मेरी इस हरकत के लिए, मेरे लिए अपनी बहन को बुरा कह रही हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा भाभी, मैं उसे भुला दूंगा भाभी, भुला दूंगा। आप हमारे पास हैं, घर में बच्चा आने वाला है, यही तो सब कुछ है। I'll be happy भाभी। अब आपको आराम की सख्त जरूरत है, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा, बुरा मत मानिएगा। मेरे पास शब्द नहीं है बेटा, मैं तो बहुत खुश हूं। सब अच्छा हो रहा है हमारे लिए, वहाँ तू खुश है, यहाँ इसकी शादी हो रही है। Bhanu, looking beautiful. Hi. हम दोनों की एक सेल्फी ले लो। Yeah. Come.
Okay, we will take from here. Nice. Thank you. क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? तुम वहाँ से ऐसे क्यों आ गई? हमारे बीच केमिस्ट्री नहीं है. केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब? उसने मेरी कमर पर हाथ रखा. मुझे अच्छा नहीं लगा. हाँ? कुछ तो फीलिंग होनी चाहिए ना. फिदा हो जाना चाहिए. शादी के बाद फीलिंग आ जाएगी. नहीं आई तो? एक चांटा पड़ेगा तेरा फिदा होना, नाचना, गाना गाना, सब निकल जाएगा. बहुत हुआ, फालतू बातें मत कर. पर बुआ सब रिवर्स गियर में है. बकवास मत कर, ऐसा ही होता है. सब शादी करते हैं, परिवार संभालते हैं. मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा ही होता है. बेवकूफ, खुद तो अमेरिका में बैठा है और वहां मजे कर रहा है और यहां मैं मर रही हूं. Now, are you feeling pain here? Now, as you can see on the scan, you भैया, need to take घबराने some की कोई जरूरत नहीं है. भानु बेटा, क्या हुआ पापा? तेरी दीदी को 3 महीने का बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने. बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है. राजीव को बहुत चिंता हो रही है. उसने कहा है कि आंटी को भेज दीजिए. बेटा, मुझे लगता है कि उसकी जगह तू चली जाएगी तो अच्छा रहेगा. जाएगी ना? मैं? अमेरिका जाऊं? नहीं, मैं वहां पर नहीं रह पाऊंगी. बिल्कुल नहीं. बुआ को ही भेजिए. तेरी बुआ को कुछ आता जाता नहीं है. प्लेन में उतरना चढ़ना उसी में रह जाएगी. तेरा जाना ही अच्छा है बेटा. आप मेरी बात नहीं समझेंगे पापा. मैं नहीं जाऊंगी. तू मेरे लिए तो सब कुछ बन जाती है. उसकी माँ नहीं बन सकती? आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती. वो वहां अकेली है बेटा. अरे टेंशन क्यों ले रहा है? आ रही है तो आने दे. अरे तू लौंडा कड़क है, मैं हूं ना तेरे साथ. मस्त शेव है बना और चोर बाजार से ब्रांडेड कपड़े पहन. ऐसे लगना चाहिए कि सूजी तेरी गर्लफ्रेंड है और अपना प्लान किसी को पता ना चले, समझा? हिम्मत डाउन हो तो उसकी चप्पल की फोटो देख लेना, उसे वॉलपेपर बना ले, मर्दानगी की स्टोव में हवा भरते रहे. और याद रख मैंने क्या बोला, सख्त लौंडा है तू. भानुमति, एक सिंगल पीस. लड़की को पसीना बहाते हुए कहाँ देखोगे? तुमने तो वो देखी होंगी ना जो एसी में रहती है, कान में हेडफोन्स होते हैं और हाथ में सेलफोन. हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ. तुम? मैं ठीक हूँ, एक्चुअली हैप्पी. तुम इसमें अजीब नहीं लग रही हो? हाँ? जीन्स के साथ ये हेयर स्टाइल और बिंदी सूट नहीं हो रहा, बेकार. कोई अरेस्ट तो नहीं करेगा ना? Hey, Suze. Hey. That's Bhanu. Hi, I'm Suzy. Hi, Bhanu. Nice to meet you. Hey, could you open the trunk? Yeah, absolutely. Bhanu, that's Suzy, my girlfriend. My girlfriend. Oh. So awesome. How do you like it? खाओगे? No thanks. लगता है बुआ आती तो अच्छा होता. उन्होंने देने को कहा था, इसीलिए दे रही हूँ. Do you want to eat? Oh, yeah, sure. Yeah, it's interesting. That's fiber. Yeah, thank you. इतना बांटोगी तो खाओगी क्या? अकाल नहीं है हमारे देश में. Hey.
तुमने मना किया दो ना। I'm good. All right, Suze. Bye. Bye. I'll see you. Take care. Bye. 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 Thank you. Oh, bye. No problem. I'll see you later. Oh, by the way, I really like your style. The braid, the bindi, the jeans. It really suits you. Hey, Suze, aren't you getting late? Okay, see you later. Yep. Bye. Bye. Hi, Bhanu. Jita ji, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ. दीदी. तुम्हारी दीदी अंदर है. क्यों बे? तू कहाँ गया था? भाई ने पनीर पकौड़े लाने भेजा था. अब देखेंगे लड़की में कितना दम है. सूजी को देखकर जल गई होगी. वैसे ये गांव वाली लगती नहीं है. नहीं, अरे मेरी भाभी है पगले. और याद रख, तू सख्त लौंडा है, पिघल मत जाना. ठीक है जा. कैसी हो? वो कमरा ठीक किया ना? बेबी कैसा? बैग्स मैंने ऊपर रख दिए. ओके. अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ. पर पहले पहले नहा धो के कुछ वो सब बात है. बुज्जी ये देखो. दीदी आप दोनों के लिए. क्या है ये? तुम्हारे लिए. इट्स ओके. मेरे लिए क्यों? मुझे नहीं चाहिए. थैंक्स. इट्स ओके. वाओ. लो तुम ट्राई करो. हाउ टू प्ले दिस? आपका खुद का रेस्टोरेंट है ना? हाँ. काउंटर पर रख देना इसे. जब स्ट्रेस हो तो इसे देखना, मन हल्का हो जाएगा, शांति मिलेगी. मेरा स्ट्रेस? पहली बार किसी ने मेरा स्ट्रेस बढ़ाने के बजाय कम करने की बात कही है. मान गया. थैंक यू. आज से तुम्हारा अमेरिका में एक दोस्त भी है और मैं दोस्ती निभाऊंगा मरते दम तक. भाभी साक्षात देवी है. यार वरुण, लड़की की बात में दम है. वो तुझे पसंद नहीं करती तो बोल दिया उसने, सीधी सी बात. तू सूजी के साथ सेट हो जा, इसे भूल जा. अबे पर एक बात मैं मानता हूँ, जिस लड़की ने दो मिनट में मुझे इम्प्रेस कर दिया तो तू किस खेत की मूली है? तेरा प्यार में पागल होना बनता है, मजनू होना, फरहाद होना, देवदास बनना. तुझे क्या लगता है और क्या नहीं इससे मुझे क्या? तू मेरा दोस्त है, यू माय ब्लडी फ्रेंड. तुझे मेरी साइड होना चाहिए. मेरा दर्द नजर नहीं आता क्या? अरे दर्द पे मलहम लगा दूंगा. अरे बात नहीं समझ रहा तू? दीदी देखो ना इसे. ये टैबलेट्स नाश्ते से पहले, ये बाद में, और ये लंच के बाद, और ये डिनर के बाद. भाभी खाना तैयार है. तुम नहीं खाओगे? नहीं अभी नहीं, बाद में खा लूंगा, मुझे पढ़ना है. आप खा लो. भानु वहाँ कैसा लग रहा है बेटा? और वहाँ टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं. दवाइयाँ ली आपने? तेरे बिना कौन देगा मुझे? पापा. ले ली बेटा, ले ली. भानु बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुम दोनों यहाँ नहीं हो. आप ही ने तो भेजा ना. यहाँ मैं भी ऐसी हूँ. टाइम बहुत हो गया बेटा, अब सो जाओ. ठीक है. ओके पापा. किचन दिखा दो. देखो दूध और जूस यहाँ है, कॉफी पाउडर और कप इसके अंदर, और ये रहा ग्राइंडर, और ये कॉफी मशीन, और ये जेट लैग का असर है. तुम पता है मुझे. ये रहा डिशवॉशर और वो टोस्टर है. मेरा गिफ्ट. तुम कुछ लेकर आई थी ना? तुमने मना कर दिया था ना? हाँ.
Why? तू ही पागल है वरुण, बेवकूफ कहीं का। God! You sit in the front, Bhanu Didi. नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। आ जाओ ना, सब लोग आ जाओ। क्या हो रहा है ये? डांस करो ना। बच्चों, जरा आवाज कम करना, ये गांव नहीं है, अमेरिका है। क्या तुमने अपनी आंखों से गांव नहीं देखा है? तब भानु अच्छी थी, अब बेकार हो गई है। So the turkey is ready. वो क्या है? बड़े ब्रॉयलर चिकन जैसा? क्या ब्रॉयलर चिकन? वाओ! अरे सूजी को देख, एकदम देसी गर्ल लग रही है। वाओ, यू लुक स्टनिंग, ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। इट वाज ऑल हर। नो, हे, आई जस्ट फिगर्ड दैट यू कैन कैरी ऑफ इंडियन क्लोथ्स रियली वेल, बट शी कांट पुल ऑफ वेस्टर्न्स। That is not true. She would do it so beautifully. That is so mean. Come on. दोनों की जोड़ी मस्त लग रही है ना? Is Suzy, are you okay? Oh my God, is everything okay? Suzy, are you okay? क्या कर रहे हैं यार? चल भाग। Yeah, I'm all right. Suzy, are you okay? Yeah, I'm fine. Thanks. सब ठीक है ना? लग तो नहीं रहा पर होना तो चाहिए। अरे अरे वरुण सुन, क्या हुआ? तू भानु को यहाँ क्यों लेकर आया? क्यों? तुम दोनों जानबूझकर ये कर रहे हो। सूजी को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? मैं तो अंदर हो जाता। यार इसका यहाँ आने का मन हो रहा था। मन हो रहा था? और इसे ये ड्रेस किसने दी? तूने ना? अरे मॉल में उसे ये ड्रेस अच्छी लगी तो। मेरा दोस्त है या दुश्मन? तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया? ये जानती है इसके यहाँ आने से मुझे गुस्सा आएगा। वरुण मुझसे बात करो तुम, गुस्सा मुझ पर आ रहा है और चिल्ला इस पर रहे हो। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा दोस्त है, इस पर मेरा हक है, तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? तुम मुझ पर गुस्सा होना, जब से आई हूँ देख रही हूँ मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अमेरिका आना अच्छा नहीं लगा, मेरे घर में रहना और यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी वजह से सूजी को गिरा दिया।
अब मैंने क्या किया है? क्यों देख रहे थे मुझे जब वो गिरी? सब तुम्हारी वजह से हुआ। और ये क्या ड्रेस है? कोई पहनता है क्या? कैसी लग रही हो तुम? मैं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी, जो मन करेगा वो पहनूंगी। दिक्कत हो रही है तो आंखें बंद कर लो। तुम्हें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम तो मुझे चीप ही समझते हो। नजरें मिलाकर बात करो, मर्द में हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में हिम्मत है, सीधे अपनी फीलिंग्स बताई थी ना, यही मेरा कैरेक्टर है। तुम्हारी तरह बदल नहीं गया। कैरेक्टर की बात कर रहे हो? कंपार्टमेंट में तुम और सैलू और वो फोटो। व्हाट? कंपार्टमेंट में मैं और सैलू? तुम तो हकीकत भी नहीं जानती और कहानियां बना रही हो। कुछ भी सोच लिया, मेरा प्यार टुकराया, मनाने की कोशिश की तो भी नहीं मानी, मुझ पे शक कर रही हो। सैलू से बात करनी है? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हें फर्क पड़ता है, इसीलिए तुम यहाँ आई हो, ये जानकर भी कि मुझे गुस्सा आएगा। मैं अपनी बहन के पास आई हूँ, तुम्हारे पास नहीं। तो फिर ये ड्रेस क्यों पहनी है? किसके लिए पहनी है? किसके लिए? मेरे पास क्यों आई हो पहनकर? ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ। तो जाओ प्लीज, मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज जाओ। हाँ जाओ, अपने गाँव चली जाओ। Hey baby, wanna ride? Yeah. दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? पापा के पास। मुझे फिक्र हो रही है उनकी। अब तो आप भी ठीक हो? कहाँ जाओगी तुम? पागल हो गई हो क्या? डिलीवरी तक नहीं रुकोगी? बच्चे को नहीं देखोगी? नहीं, मुझे जाना है। क्या हुआ? क्या मुझे रोकिए मत। टिकट बुक कर दीजिए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। रो क्यों रही हो भानु? रुको रुको, तुम बैठो, कुछ नहीं हुआ, टिकट बुक करता हूँ, पापा की याद आ रही होगी। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी दीदी कैसी है? दीदी अच्छी है पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है मुझे वापस आना है पापा। मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? जाना चाहती हो? तुम अमेरिका आई और मुझसे मिले बिना जा रही हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अगर तुम घर नहीं आई ना तो मैं बात नहीं करूंगी, फोन तक नहीं करूंगी मैं। जीजू, हा? सुमिति बुला रही है, मैं एक हफ्ते के लिए चली जाऊं? इंडिया जाने से पहले मिलना ही होगा, वरना वो नाराज हो जाएगी। फोन पर है। ठीक है, जाओ। हेलो सुमिति, मैं आती हूँ। हे वरुण, इसे सुमति के घर जाना है, ड्रॉप कर दो। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, कल सुबह चलेगा? ठीक है, इसे ड्रॉप कर देना। ठीक है। बाहर आओ। ये टिकट रखो, बस की है, सुमति के घर उतार देगी। तुम गई नहीं? बस जा चुकी है, चलो। जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बस जा चुकी है, that was the last bus। भानु, बहस मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाना। भानु चलो। वरुण छोड़ो। Wait, there seems to be a problem. Over. भानु, ये लोग हैरेसमेंट का केस बनाकर मुझे जेल में डाल देंगे, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। भानु, भानु रो क्यों रही हो तुम?
भानु, why you crying? तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। भानु, please। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं अपने घर से इतनी दूर आई हूँ, थोड़ी भी केयर नहीं कर सकते? तुम क्यों इतने गुस्सा हो? क्योंकि मैंने ना कह दिया, उसका बदला ले रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, ये कोई बदला नहीं है भानु, ये तो तुम्हारा हक है। प्रॉब्लम तो मेरी ही है, इसीलिए तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी काम में बिजी रहना चाहता हूँ या फिर किसी के प्यार में पड़ जाना चाहता हूँ, बट नथिंग सीम्स टू वर्क, ना मेंटली ना फिजिकली। मेरे ट्रायल्स चल रहे थे और तुम वापस आ गई, बताओ मेरा क्या हाल होगा? ये सब बेकार है। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं देखता? उससे मेरा प्यार जाग जाता है। तुम्हारा वो गांव, वो खेत, वो ट्रैक्टर और तुम, वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत बहुत। फिर भी हम दोस्त तो रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते क्या? तुमने सब भुला दिया है, खुश लग रही हो। मैं भी सब भुला दूंगा भानु, आई बी फाइन, आई गेट ओवर इट, लेट्स बी फ्रेंड्स नो। भानु, ओके ओके। भानु, तुमने मुझे अपना गांव दिखाया था ना, मैं तुम्हें अपना शहर दिखाता हूँ, चलोगी? ओके। जीजा जी के भाई वरुण। हाय, हाउ वाज योर ट्रिप? हाय, आई एम वरुण। अरे वो फोटो देखा? ये देख। मैं कहीं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही, तुम चलोगी? हाय वरुण। हाय सेलू। आज अचानक कैसे? कॉलेज जा रहा था। कॉलेज? यहाँ? जस्ट किडिंग। वेंकी कहाँ है? वेंकी। हे वेंकी, कैसा है तू? हाउ आर यू मैन? लॉन्ग टाइम यार। या लॉन्ग टाइम। भानु, ये वेंकी। ओह भानु, हमारी शादी भी तुम्हारी दीदी की शादी की वजह से हो पाई। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। शादी की वजह से नहीं, कंपार्टमेंट की वजह से। अरे हाँ, ट्रेन में सैलू की और मेरी जो बात हुई थी ना कंपार्टमेंट में, उसी के बाद हमने प्लान बनाया था और वो प्लान काम कर गया, है ना? बिल्कुल। भूल गया तू वेंकी? अरे इतनी अच्छी साड़ी पहन ली तुमने, कहीं जा रही हो क्या? सिर्फ यही बची थी, बाकी सब पहनी हुई है। भानु, तुम ऊपर सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ बात करो ना। कुछ पूछता हूँ, बुरा मत मानना। सॉरी, थैंक यू, ऐसे वर्ड्स तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना? होते हैं, पर सामने कौन है डिपेंड करता है। तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो ना? डॉक्टर्स में बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। मेरी माँ की इच्छा थी, इसीलिए तो इतना सीरियसली पढ़ रहा हूँ। तुम इंडिया में हॉस्पिटल खोलोगे? मुझे अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है,
बस अब ज्वाइन करने के लिए रुका, मुझे न्यूरोसर्जन बनना है। ये वाला डॉक्टर? कहाँ जा रही हो? ए भानु, यहाँ जो भी मांगते हैं ना पूरा हो जाता है। मतलब लवर्स के लिए है, लेकिन तुम ट्राई कर सकती हो। बस इतना चाहता हूँ कि भानु हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास। That's all I wish for। अगर ये मेरी दुनिया में आ जाए, अगर मैं एक पल और यहाँ रुकी तो हमेशा के लिए शायद यहीं रह जाऊंगी। हे भगवान, मुझे जल्दी से वापस भेज दो। क्या मांगा तुमने? तुमने Congratulations! Thanks, yes. MOU University में admission के लिए. Thanks, guys. तुम जा रही हो? सिर्फ 3 महीने और हैं। रुक जाओ ना, अभी नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। तुम उसे चाहती हो ना, फिर इतना नहीं कर सकती। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं इस तरह नहीं रह सकती उसके साथ। वरुण से क्यों नहीं पूछती? तुमने कहा था ना राजू से पूछने के लिए। क्या मैं पूछूं? वरुण आता भी है तो पूरे मन से नहीं होगा, अधूरा ही होगा। वो बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है यहाँ। क्या हम प्यार में कोई शर्त रख सकते हैं? बुजी, क्या हुआ बुजी? I'm sad. ऐसा क्या हो गया? उदास क्यों? I don't want Bhanu Didi to leave. You can make us stay. No. You could. नहीं बुजी। Yes, you could. I could, maybe if I leave you. वो रुक जाएगी, पर मैं चला जाऊंगा, ठीक है? No, I don't want you to leave. अपना ख्याल रखना भानु। सबका ख्याल रखिएगा। जा रही हो? ख्याल रखना। तुम्हारी बहुत याद आएगी। थैंक यू। वरुण। थैंक यू भानु। बहुत बुरा लग रहा है भानु, जैसे जिंदगी दूर जा रही हो। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही स्पेशल। फिदा। मैंने देख लिया है,
ख्याल रखना। ऐसा कुछ नहीं है। हे भानु, कहती हो ना प्रार्थना करो तो हो जाएगा, मैं ट्राई करूं? रुक जाओ भानु, यही मेरी प्रार्थना है। चलो भानु, वक्त हो गया। भानु, अब पासपोर्ट और बोर्डिंग पास ठीक से रखना। अनाउंसमेंट, थैंक्स भानु फॉर एवरीथिंग। वरुण बेटा, अचानक कैसे आया? नहीं चला है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ये बैग मुझे दे दो। अब नहीं, नहीं कोई बात नहीं। क्या मैं एक बार भानु से बात कर सकता हूँ? भानु से? ठीक है, बात कर लो। हाँ पापा। रेनू बेटा, वरुण यहाँ आया है, बात क्या है? वरुण भानु से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। क्यों आए हो यहाँ? तुमने एयरपोर्ट पे मुझे गले क्यों लगाया? पलट कर वापस आकर गले लगाने का क्या मतलब था? ये क्या है? उसे पसंद नहीं करती, प्यार मुझसे करती हो, तो शादी क्यों कर रही हो उससे? क्यों भानु, बताओ। ओ, भूल गया था, तुम भानुमती हो, वन पीस। 100 बार तुमसे कहा, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें पसंद करता हूं, हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, याद रखना। शादी तो हो जाएगी, उसके बाद सोचोगे भी ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक से सोच लो। भानु, तुम कहोगे ना तो चला जाऊंगा, तुम किसी से शादी कर लो तो भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। तुम खुश नहीं हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, उस हाल में जी नहीं पाऊंगा। मुझसे झूठ कहोगी तो चलेगा, अपने आप से झूठ मत कहना भानु। बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? पापा। बेटा, एक बात कहूं तुमसे? क्या हुआ पापा? तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जिसे तुम दिल से प्यार करती हो। तुम मेरी पसंद से सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी
क्योंकि वो लड़का पड़ोस में रहता है और तुम मेरी देखभाल कर सकती हो। तुम्हारे दिल में कोई और हो और शादी तुम मुझसे कर रही हो जिसे तुम प्यार नहीं करती हो, वो भी मेरे लिए, ये मैं सह नहीं सकता। मैं क्या कोई बाप नहीं सह सकता? यहां रहकर क्या वाकई तुम खुश रहोगी? मुझे कैसा लगेगा अगर सब कुछ पता होने के बाद भी तुम वरुण से शादी नहीं करोगी? मेरी बात मान लो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, वरुण से शादी कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम शादी करोगी ना, मेरी बच्ची जरूर मेरी बात मानेगी। उदास क्यों हूं? मैंने कितना कुछ सोचा पर हुआ कुछ अलग। ऐसा ही होता है। हमारी दुनिया में चमत्कार कब होंगे? तुम सही हो। एक जगह पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर शादी करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, चाहे मैं हूं या तुम। ये क्या कर रही है? इसे मत रख, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा राजकुमार यहाँ आया जरूर है, पर वो तुम्हें लेकर कहीं नहीं जा रहा। वो तुम्हारी दुनिया में रहने आया है, वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, समझी? वो यही रहने वाला है। सच में? हाँ सच में। तुमने प्रार्थना की और वो तुम्हें मिल गया। क्या हुआ भानु, तुम रो क्यों रही हो? उठाओ। अरे भानु, क्या ये सच है कि तुम मेरे लिए आए हो? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। मैं समझ नहीं पाई, परेशान किया ना। आई एम सॉरी। इतनी सी बात के लिए इतना रो रही हो? बस एक बार बोल देती काफी था। मेरी दुनिया और कुछ नहीं, जहाँ तुम वही मेरी दुनिया। तुम मेरी वन पीस हो। मैं क्या वन पीस हूँ, तुम हो वन पीस, मेरे वन पीस, मेरे पति। सिदा, सिदा। अब चले। अच्छा भानु, वो प्लॉट देख रही हो? वहां हमारा हॉस्पिटल होगा। ये नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, किस भी नहीं। पर क्यों? ये देखो। ओ ये तो उस अली के बच्चे ने एडिट की हुई फोटो है। मुझे भरोसा नहीं है, पहले आने दो उसे। ए मेंटल, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। ओए भानु। अच्छा भाई, वन पीस वाली।